नाज़िम वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। की हुकूमत कोशिश करती रही है अभी और मजीद आगे काम करना चाहती है, उसके बारे में आपको बताना था। और जाहिर पहले से मीडिया के अंदर आपको ये भी पता है कि इस सिलसिले के अंदर हमारी सूबाई हुकूमत जो है सिंध की, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। बुनियादी बात यह है कि हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की अपनी अपनी इख्तियारात हैं, और अगर काम करना चाहते हैं तेजी से और लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करना चाहते हैं, जैसा कि जाहिर है हम चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि तमाम हुकूमतें जो हैं जिनके पास ये इख्तियारात हासिल हैं वो मिलकर आपस में काम करें। मैं इस बात का पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका हूं, हमारे सिंध में जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत जो है उनके साथ सियासी इख्तलाफात हैं, शदीद सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन तरक्याती काम के अंदर सियासत कोई नहीं है। जो मुकामी हुकूमत है वहां पर, वो इस वक्त हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं, एनक्यूएम उनके मेयर हैं, लेकिन उसकी टर्म अभी खत्म होने वाली है, वरना जाहिर है उनके साथ तो हमारी कोऑपरेशन के कोई इशू नहीं। तो इसीलिए जिस वक्त ये बारिशों की सूरत हाल पैदा हुई और हमने देखा कराची के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद जो है आपको पता है कि वजीर आजम ने फैसला किया, उन्होंने एनडीएमए को ये अहकामात दिए कि आप कराची जाएं और इससे पहले कि दोबारा बारिशें हों फौरी तौर पर वहां पर काम किया जाए, और जो वहां पर रुकावटें हैं जिसकी वजह से पानी ज्यादा खड़ा होता है उसका फौरी जो हल है वो कुछ करने की कोशिश की जाए, जो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया। लेकिन जब वो काम शुरू हुआ तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये तो ठीक है, ये फौरी तौर पे उस पर और बेहतरी भी आई। उसके बाद जब बारिश हुई तो आपने देखा कि उतने मसाइल नहीं आए जितने पहले आए थे। लेकिन सिर्फ ये पैचवर्क तो नहीं करना है, सिर्फ ये वक्ती काम तो नहीं करना है, कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, और कराची जो है वो सिर्फ सिंध का सबसे बड़ा शहर नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो शहर है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, और एक, एक जैसे हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कमर्शियल हार्ट है, और जब तक कराची मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी रफ्तार जो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी गुंजाइश है, उस पर काम नहीं कर रहा, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पोटेंशियल को हासिल कर सके। इसलिए और खासतौर पर जाहिर है वज़ीर आज़म का एक ज़ाती वहां पर एक इमोशनल आप कह सकते हैं कराची के शहरियों के साथ एक कनेक्शन भी है, उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा, बहुत बड़े वोट लेकर कामयाब हुए, और इस वक्त कोलिशन के अंदर जो जमातें बैठी हुई हैं पीटीआई और एमक्यूएम, उस हमारे पास 21 में से 19 सीट्स कराची की हैं, तो सियासी तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस सिलसिले के अंदर जो मुलाकातें हुई आज, मुझे खुशी है कि उसके ऊपर हम एक इत्तफाके राय के ऊपर आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो लीड कर रहे थे सिंध के डेलीगेशन को, ये हमारी शायद तीसरी मुलाकात थी, और मंदरजा ज़ैल चीजों के ऊपर इत्तफाके राय हुआ है। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी है, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है, और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समंदर के अंदर फेंका जा रहा है, उससे हमारी आबी वसाइल जो है वो भी उनमें भी खराबी हो रही है, और जाहिर है शहर के अंदर भी बीमारियां फैल रही हैं। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, और जो एक बहुत बड़ी वजह भी है, ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नजर आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो है वो भरे हुए हैं इस कचरे से, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निजाम वहां पर इस वक्त नहीं है। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहां पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई है उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है, वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है कि दोबारा वहां पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है। पांचवी वो सड़कें, कुछ खसूसी सड़कें ऐसी कराची के, सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है, और मुझे याद है जब वज़ीर आज़म को हम कराची में कैंपेन के लिए ले जा रहे थे
तो मुझे उस वक्त भी याद है उन्होंने कमेंट किया था कि कराची की सड़कों का क्या हाल है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर और उसकी सड़कें जो हैं उसकी इतनी बुरी हालत है जो देखकर अफसोस होता है। तो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निजाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निजाम वहां पर मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक से ज्यादा मंसूबे मौजूद हैं। ये इन तमाम एरियाज के अंदर तकरीबन सब में या तो मंसूबे बने हुए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद शुरू भी हो गया था, लेकिन वो काम फंस गया। वो आगे K4 रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। S3 स्वेज ट्रीटमेंट का जो मंसूबा था वो कई सालों से रुका हुआ है, उसके ऊपर पेशरफ नहीं हो रही। इसी तरीके से KCR का मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है। KCR का मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो कराची सर्कुलर रेलवे का है उस पर पेशरफ नहीं हो रही। तो ये बहुत सारे ऐसे काम जो कुछ सालों से रुके हुए हैं, कुछ दहाइयों से रुके हुए हैं, कोशिश ये होगी कि इस वक्त साथ बैठ के बाहमी मुशावरत के साथ और बाहमी हमांगी के साथ इनके ऊपर काम किया जाए ताकि तेजी से वो सूबे जो सालों और दहाइयों से रुके हुए उनको मुकम्मल किया जा सके और कराची के जो अवाम हैं उनको अपना हक दिलाया जा सके। इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। उस कमेटी में कोई कमेटी का सरबराह नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो चीज वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुशावरत से इत्तफाक राय होगी तो काम आगे चलेगा, तो उसमें कोई वोटिंग वगैरह तो है नहीं। इसके सेक्रेटरी जो है कमेटी के वो सिंध गवर्नमेंट के चेयरमैन PND को बनाया गया है। हमने इस काम को तेजी से करने के लिए हदफ अपने लिए जिसे रख रहे हैं उसका अंदाजा देने के लिए आपको कि हमने 2 हफ्ते के अंदर कहा है कि जो मंसूबों की फहरिस्त इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास है, जो मंसूबों की फहरिस्त इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, उनको शॉर्टलिस्ट करना और ये फैसला करना कि ये जो मिलजुल के हम काम करने का खसूसी एक मंसूबा करने के लिए जा रहे हैं, खसूसी काम करने का तरीकेकार के साथ जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल किए जाएंगे, उसमें से किन मंसूबों की जो लीड है वो वफाकी हुकूमत के पास होगी, वो कौन से मंसूबे हैं जिनकी लीड जो है वो सूबाई हुकूमत के पास होगी, वो क्या फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं जिनसे इन मंसूबों को फाइनेंस किया जाएगा, और इसके अंदर ही जो कानूनी अगर कोई चीजें हैं जिनकी वजाहत करने की जरूरत है या उसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है, तो उन तमाम चीजों को ये अगले 2 हफ्ते के अंदर हमने कहा है इस काम को मुकम्मल करना है। लेकिन हम 2 हफ्ते का भी नहीं इंतजार करें, इस मीटिंग के फौरन बाद मेरी सेक्रेटरी प्लानिंग जो है हमारी वफाकी हुकूमत के उनके साथ मीटिंग हुई थी, उनको मैंने बता दिया है लीड हमारी वफाकी हुकूमत से जो सिविल सर्विस लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जो है वो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को दी गई है, और सिंध में सेक्रेटरी PND चेयरमैन PND जो है वो इसकी लीड लेंगे। वो कल सुबह से इसके ऊपर बाहमी तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। हमारी अगली मीटिंग जो है वो कराची में होगी अभी नहीं सेट हुआ, लेकिन हफ्ते के रोज कराची के अंदर हमारी मुलाकात होगी। तो इस रफ्तार से हम ये काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल एक वाज़े जामे हिकमत अमली सामने आ जाए, कौन कौन से मंसूबे हैं, किसकी जिम्मेदारी है उसमें लीड लेने की, फाइनेंसिंग उसकी कहां से आएगी, और अगर कोई कानूनी उसके अंदर ये रास्ता आसान करने के लिए कोई चेंजेस की तब्दीली की जरूरत है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ एक बात की दोबारा वजाहत कर दूं, क्योंकि बहुत लोग इसके ऊपर कितनी वो चमगोइयां हो चुकी हैं, होती रही हैं, कि देखें ये तरक्कियाती अमल है और इसके अंदर हम स्ट्रांगली यकीन रखते हैं, दिल से इस बात को जानते हैं कि अवाम की फलाह बहबूद के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत सियासी मामलात हैं, जैसे मैंने कहा हमारी सिर्फ इख्तलाफात नहीं है, शदीद इख्तलाफात है। इसी तरीके से जाहिर है उनका भी अपना एक नुक्ता नजर है, उनको भी हमारे ऊपर बहुत तहफुजात हैं हमारे साथ और उसका इजहार भी वो करते हैं और ये सियासत का अमल भी है। दूसरी चीज मैं बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ शकूक शुबात ना पैदा हो, इसका एहतसाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। जो इमरान खान ने एक एहतसाब का नारा लेकर पाकिस्तान की कौम के अंदर शऊर बेदार किया है और वो एहतसाब जो बगैर किसी तफरीक के किया जाना चाहिए और कम से कम हुकूमती सतह पे आपको नजर आता है, इस वक्त हुकूमत के अपने
अहम ओहदेदार जो हैं वो भी उस एहतसाबी अमल से गुजरते हुए नजर आते हैं, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। और उसके ऊपर पहले भी बड़ी वाजे बात हो चुकी है और रिसेंटली भी अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर भी इसके ऊपर बड़ी वाजे बात हुई है। तो एक ये बात मैं बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि उससे ना इसको बिल्कुल कोई किया जाए। हाँ, सियासत भी चलती रहेगी, जो है एहतसाबी अमल कानून के मुताबिक है वो भी चलता रहेगा, और साथ साथ मिलकर अवाम की बेहतरी के लिए जो काम करने की जरूरत है वो भी हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब अमीन भाई आपको शायद असद उमर साहब ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, मैं अपनी बात बिल्कुल मुख्तसर करूंगा ताकि अगर सवाल जवाब का सेशन हो तो वो मोर कंटिन्यू हो जाए। बिल्कुल ये बात शक व शुबा से बालतर है कि कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है। हमारी जो ख्वाहिश है कि जो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुका था, और पिछले दिनों जो बारिश हुई और इससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई कि कराची के आधा से ज़्यादा कराची पानी में डूबा हुआ था, और उसके बाद यकीनन हम वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने NDMA की टीम को रवाना किया, उसने टेक केयर किया और सबने देखा कि बारिश के जब दूसरा स्पेल आया तो कराची की सूरत हाल होनी थी जो पहले थी, और यकीनन कमेटी बना दी गई है और कमेटी का काम यही होगा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। अपनी तरक्याती प्रपोजल उस कमेटी जो है सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के सामने रखेगी ताकि मसाइल हल हो सके। तो ये 3-4 चीजें, और जैसा असद उमर साहब ने कहा कि 4-5-6 चीजें आपको बताइए कि ट्रांसपोर्ट का निजाम है, K4 का सिस्टम है, जो कराची के वहां पानी के बूंद बूंद को तरसते है, यकीनन K4 पे काम होगा। इसी तरह हाल जी के हवाले से भी है कि वहां से भी 65 MGD पानी लाने की बात की जाएगी। ग्रीन लाइन के साथ साथ ब्लू लाइन की भी बात की गई है, ऑरेंज लाइन की भी बात की गई है ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर से बेहतर हो सके। इसी तरीके से S3 की बात हुई है कि वहां पे भी जो बेहतरी लाई जा सकती है लाई जाएगी। मैं समझता हूं कि यस, हम इस बात के पूरे उम्मीद है कि वो के सिंध के सूबाई हुकूमत से शदीद नजरियाती अख्तलाफात MKM के मौजूद हैं, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में, सिंध के वसीतर मफाद में और कराची की तरक्की के लिए हम साथ मिलकर बैठे और इंशाअल्लाह ताला मसाइल को हल करना हमारा मकसद होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल आपसे असल उमर साहब ये है कि आपने कमेटी तश्कील दे दी, इसमें जो शहरी हुकूमत है, मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन है, उसका क्या किरदार होगा? ये अगर हमारी शहरी हुकूमत वहां पर आगे चल रही होती तो उसकी शिरकत तो लाजमी थी। और ये भी आपने अच्छा के सवाल से मौका आ गया कि ये सियासी जमातों के दरमियान कोई हमांगी नहीं है, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की है। टर्म जो है लोकल गवर्नमेंट की वो चंद दिन में खत्म होने वाली है, इसलिए 28 तारीख को वो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इसका हिस्सा नहीं है, वरना वो जरूर इसका हिस्सा होता है। मैगा के आपने 6 पॉइंट्स की निशानदेही की है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इशू है वो कराची का, वो है बिजली का इशू। कराची के अवाम जिस अजाब से गुजरे हैं और हर साल ही गुजरते हैं कि इलेक्ट्रिक के बड़े जबरदस्त किस्म के मसाइल हैं और लोगों को लोड शेडिंग का सामना है, ओवर बिलिंग होती है, तो के इलेक्ट्रिक का कोई इलाज भी है आपके पास? उसको भी अपने प्लान में शामिल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो सर्कुलर रेलवे जो प्रोजेक्ट था कराची का, वो कब उसकी फाइनेंसिंग या उसमें कब पेशरफ्त हो रही है, और जो एक्निक में अप्रूवल हुई है जो प्रोजेक्ट है हमारा ML1, उसकी फाइनेंसिंग कब हो रही है, ये बता दीजिएगा। अच्छा, ML1 तो कराची से अलग है, तो उसको मैं अलग से डील कर लूंगा। जो KCR का जो आपने कहा, KCR इस लिस्ट में फहरिस्त में शामिल है और हमारे ख्याल में कराची के लिए एक बहुत अहम मंसूबा है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी राय दे चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला ये जो फहरिस्त 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल की जाएगी जिन मंसूबों की, तो उसमें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके अंदर यही KCR और K4 बारा जरूर शामिल होंगे। जहां तक आपने K-Electric की बात की, कल K-Electric के चीफ एग्जीक्यूटिव को मैंने बुलाया हुआ है यहां पर, K-Electric के साथ, नेप्रा के साथ मिलकर वहां पर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं। देखिए, K-Electric से बहुत सारी शिकायत कराची के अवाम को भी हैं और हुकूमतों को भी है, लेकिन K-Electric को कामयाब हम देखेंगे तो जब ही कराची के अवाम के मसाइल हल होंगे। तो उनसे जिम्मेदारियां भी पूरी करवानी है जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर उनके कोई मसाइल हैं तो उनको भी हल करना है, और दोनों काम जो है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि उनके साथ मिलकर
दो तीन बड़े फैसले किए गए थे। एक वो अपना एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए जा रहे थे इम्पोर्टेड कोल के ऊपर, उस पे के इलेक्ट्रिक के साथ इत्तेफाक राय हो गया है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया है और हमारे पास जो वाफिर मकदार में बिजली मौजूद है इस वक्त, जो बदकिस्मती से पहले किसी ने कराची के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया था, वहां पर लोड शेडिंग होती रही है, वो उससे कनेक्शन का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। अगले साल भी सप्लाई इजाफा करने के लिए जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए मंसूबा किया जा रहा है, तो वो साथ साथ वो भी काम चलता रहेगा उसके अंदर। लेकिन ये इसी से गुंजाइश निकलती है आपको सूबाई हुकूमत की मदद की भी जरूरत है और उस किस्म की चीजें जो के इलेक्ट्रिक की भी हैं वो भी इससे मदद हासिल होगी कि ये जो हम बाहमी इश्तराक के साथ काम करने जा रहे हैं। उसके ऊपर जो पेशरफ है उसको किस तरह मॉनिटर किया जाएगा, उसको भी स्पीड अप किया जाएगा? ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इसका हिस्सा बन जाएगा वो तो इस लेवल के ऊपर हाईएस्ट लेवल जो है उसके ऊपर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो बाकी मंसूबे हैं वो जैसे मैंने आपने कहा ना, जब एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बन जाता है, ये बिल्कुल ऐसी बात है सुहेल जिस तरीके से कोविड के ऊपर हम कोरोना में काम कर रहे थे, क्योंकि रोजाना साथ बैठते थे और रोजाना मीटिंग होती थी तो बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली रिजॉल्व करने में मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि वो एक बना हुआ था प्लेटफॉर्म बना हुआ है और रोजाना उसके अंदर मीटिंग्स होती हैं तो फैसले फिर करना बहुत आसान हो जाता है। तशरीफ से आए हैं यहाँ पर, एक सवाल इससे मिलता है, क्योंकि कराची की बात कर रहे हैं तो कराची के इन मसाइल के साथ साथ एक बड़ा मसला वहां का अमन अमान का मसला भी था और आप लोगों ने बड़ा उसको कंट्रोल किया, जैसे साहब उस पर काफी काम खुद भी करते रहे, खुद कोऑर्डिनेट करते रहे, इसके हवाले से भी कोई बात हुई है सूबाई हुकूमत से कि उसको किस तरह कोप अप किया जाए और वफाकी हुकूमत या मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग करे कि नेक्स्ट टाइम कराची के शहरियों को इस तरह के कोई मसाइल का सामना न करना पड़े? देखिए, जो अली जैदी साहब का उसके अंदर नुक्ता नजर था वो तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमारा जो सियासी इख्तलाफ है वो सियासी इख्तलाफ कल भी कायम था और वो आज भी कायम है। मैंने आपको ये भी कह दिया कि एहतसाबी अमल के ऊपर बिल्कुल भी असर अंदाज नहीं होगा ये जो वायदा करने जा रहे हैं। हम तो वायदा करने जा रहे हैं कराची के शहर की तरक्याती मंसूबों के ऊपर। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त पहला जो मरहला है वो कराची के लिए है, लेकिन आज हमारी और चीफ मिनिस्टर सिंध की जो बात हुई है, हम इसी फॉर्मूला को बाकी सिंध के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए हम इसके लिए ओपन है और इंशाल्लाह ताला बाकी सिंध के अंदर भी काम करेंगे। एक चीज अगर ऐड कर दूं अगर आप इजाजत दें, पहले तो माजरत एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और फिर वापस। देखें, कराची स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कराची स्पेसिफिक बात हो रही है। कराची को, कराची के कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, इररिस्पेक्टिव उसका कितना बड़ा साइज है, कराची जैसे शहर को प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के इश्यूज कम होते हैं। कराची जैसे इश्यूज को या कोई भी इन प्रोजेक्ट्स को की ट्रांसपेरेंसी और के इश्यू ज्यादा होते हैं, इसलिए जो ये मॉनिटरिंग कमेटी बननी है सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंदर होंगे तो ये जब आप मॉनिटर करना शुरू करेंगे, कराची के प्रोजेक्ट्स को पैसे ढूंढते हैं खुद, प्रोजेक्ट्स पैसे नहीं ढूंढने पड़ते कराची के लिए, पैसे प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, बट उसकी ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी के लिए ये कमेटी है और अगर साथ मिलकर ये काम हो जाए कराची के लोगों के लिए डिलीवर हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है किसी के लिए भी। मतलब कराची कहते ना, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक और अक्सर और असद और सारे हम बात करते हैं, अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वापस जहां लेके जाना है जो ये डिजर्व करता है जहां जाना चाहिए, कराची के बगैर तो वो पाइप ड्रीम है। कराची को उठेगा, कराची ठीक होगा तो फिर इकोनॉमिकली वायबल पूरा पाकिस्तान हो जाएगा, बिकॉज लाइक इट या डोंट लाइक इट सारी बंदरगाहें तो वहां 95% ट्रेड आपने वहीं से करनी है। सो कराची इज वाइटल, जस्ट लाइक कि अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क वाइटल है या इंडिया के लिए बॉम्बे वाइटल है या कोरिया के लिए सोल वाइटल है, चाइना के लिए शंघाई वाइटल है, पाकिस्तान के लिए कराची वाइटल है। गुरामानी टाइम न्यूज से मेरा ताल्लुक है, ये जो एक मुआहदा हुआ है क्या ये आप नहीं समझ रहे कि ये पहले ही विफाक के ऊपर लाजिम था, क्योंकि ये तमाम विफाकी प्रोजेक्ट है, इवन आप बिजली की लोड शेडिंग देखें वो भी कि विफाक को पहले ही करना चाहिए था। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने पहले होमवर्क भी करवाया कि कितने प्रोजेक्ट और कितना काम, तो आपने 165 अरब की शायद एक लेआउट भी दिया था, उनपे भी सिंध हुकूमत का था कि वो खुद ही अपने प्रोजेक्ट पे अगर काम शुरू करवाएं, और आप क्योंकि सियासी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं
हुकूमत से भी ताल्लुक रखते हैं, तो ये क्योंकि बाहर एमक्यूएम कह रही है कि सूबा बनना चाहिए कराची को, अभी यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे पीपी वाले मुजाहरा कर रहे थे, तो ये सियासी इश्यूज जो हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे कि वजीर आजम साहब अगर कराची जाएं तो मुराद अली शाह साहब के साथ मुलाकात करें, गवर्नर रूल दो जी सर, तो ये सियासी इशू को कैसे तकरीर तो नहीं करनी, सवाल आपका आ गया, सवाल का आपका जवाब दे दो, पहली बात तो आपको जो सवाल का मफरूजा है वो बिल्कुल मफरूजा ही गलत है, इसमें से एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया जो आईन के अंदर वफाक की जिम्मेदारी हो, एक भी नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये सारे वो काम हैं जो वफाक सूबे की और शहर की मदद के लिए करना चाह रही है, बिजली के जो मंसूबे हैं वो वफाक की जिम्मेदारी है, ये जो हमने मंसूबे जिनकी जिक्र किया इनमें से एक भी वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, वफाक जो है क्योंकि जाहिर है पूरे पाकिस्तान को ओन करती है, इमरान खान साहब को इज्जत दी है पाकिस्तान के हर कोने के शहरी ने, और उस लिहाज से शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर आपको नहीं नजर आया होगा जो एक कोने से आखिरी कोने तक हर जगह पे उसकी पजीराई हो, तो उसकी वजह से भी और उसके अलावा भी आपको पता है वो इंसाफ के ऊपर यकीन करने वाले हैं, तो इसलिए ये कमिटमेंट है हमारी कराची के शहरियों के साथ जिस तरीके से बाकी पाकिस्तान के शहरियों के साथ है कि वो हम करेंगे। जहां तक आपने सियासी बात की, मैं आपको पहले बिल्कुल साफ बोल सकता हूं, जो जिन चीजों पर हमारा सियासी इख्तलाफ है वो सियासी इख्तलाफ कल भी था और वो आज भी मौजूद है। जो सूबे की आपने बात की, सूबे के ऊपर एमक्यूएम का, पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का, तीनों का नुक्ते नजर जो है वो मुख्तलिफ है, वो अपनी अपनी हमारी सियासी हैसियत है, उसका तरक्याती काम से कोई ताल्लुक नहीं। आप तीन मेंबर हुकूमत की जानिब से उस कमेटी में जो शामिल हैं यहां पर मौजूद हैं, और तीन मेंबर्स जो सिंध गवर्नमेंट के हैं वो यहां पर मौजूद नहीं हैं। एनसीसी की मीटिंग्स होती रही, हम देखते थे कि जो मीटिंग्स में सीएम साहब भी आते थे, लेकिन उसके बाद सिंध में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी जिसमें वो टोटली आपके नैरेटिव से उसको निगेट करते थे। ये एक सियासी जो मूव नजर आ रही है कि आपके साथ यहां पर वो मौजूद क्यों नहीं है, और दूसरी बात ये कि इसमें संजीदगी कितनी है, आप सब एक जो जिस जो काम करने जा रहे हैं इसमें गारंटियर कौन है कि आप एक साथ काम कर सकेंगे? सर ये पिछले 5 माह से जो काम कर रहे हैं तो वहां पे भी किसी से गारंटी तो नहीं साइन कराई थी, जो हम समझते हैं पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए है उसी इसलिए हम काम कर रहे हैं, तो इसके जामिन जो है वो पाकिस्तान के शहरी बिलमूम कराची के शहरी बिलखसूस होंगे इंशाल्लाह ताला। जहां तक आपने नैरेटिव की बात की, ये भी आज बात हुई थी, ये जो आपने आज सवाल पूछा ये भी बात हुई थी, ये मुराद अली शाह ने भी शायद कोई एक दफा वो उस दिन कह रहे थे कि आपने मैंने कहा था कि एक दफा उन्होंने भी कहा था एनसीसी मीटिंग के बाद, वरना उमूमी तौर पे मुराद अली शाह नहीं कहते थे, वो मैं नहीं कहता था, वो लोग जो एनसीसी या एनसीओसी का हिस्सा नहीं थे वो कहते थे ये पाकिस्तान है, जमहूरी मुल्क है, आजाद मीडिया है, आजाद पोलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि कल फिर कोई दूसरी तरफ से कोई ऐसे बयान आ जाए, लेकिन जिस तरीके से कोविड के अंदर जो फैसला साजी एक्चुअल एक्शन होता था उस एक्शन के ऊपर फिर जो फैसला हो जाता था अमल दरामद बेहतर या कम बेहतर नस्बतन ना इतना अच्छा हो जाता था, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला, और फिर वही बोल रहा हूं सियासत चलती रहेगी, हमारा इख्तलाफ सिर्फ नहीं है, मैं तीसरी दफा बोल रहा हूं शदीद इख्तलाफ है, लेकिन कराची और सिंध के अवाम की तरक्याती जरूरियात जो है उस पर कोई सियासत नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत कराची के ऊपर कब्जा कर रही है और मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जबकि जो मुराद अली शाह हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अपने इख्तियारात शेयर नहीं करूंगा, तो आज आपने क्या उनको ये यकीन दहानी कराई है कि उनके इख्तियारात पर किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, और दूसरा ये जो कमेटी है इसमें एनडीएमए या फौज का कोई किरदार है या नहीं? पहले वाले आपके सवाल का तो पहले कमेंट ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंध के शहरों के अंदर तो बड़ा ही खामोश प्रोटेस्ट है जिसकी ना आवाज सुनाई दे रही है ना तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर हो रहा होगा। दूसरी बात जो है हमें किसी के इख्तियारात छीनने की जरूरत नहीं है, जो हमने काम करना है वो आईन के दायरे के अंदर रहते हुए करना है, और वो सियासी बातें हैं उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आईन के दायरे के अंदर रहते हुए भी वफाक के भी और सूबे के भी दोनों के बहुत इख्तियारात होते हैं। ये जो है ये काम किया जा रहा है हमारा, फिर मैं दोहराऊंगा तरक्याती मंसूबों तक इसको महदूद रखा गया है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। आखिरी सवाल ले लेते हैं, आपके लेफ्ट राइट साइड सर, कराची में पहले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम
के दरमियान पोलराइजेशन थी, फिर आपको अच्छा खासा मैंडेट मिला, वहां के कुछ हालात नेचुरल हैं, वहां की गवर्नमेंट्स ने काम नहीं किया, लेकिन यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो पोलराइजेशन की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो नालों में गंदगी दानिश्ता फैलाई जाती है, वो ड्रेन लाइनें जो हैं वो चोक की जाती हैं रजाइयों से, लिहाफों से, सीमेंट की बोरियों से, इसमें क्या सदाकत है? दूसरा सर, मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है सर, यूएई का इसराइल को तस्लीम करने के बाद, चूंकि इत्तेसालात कंपनी के पास पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज तो नहीं होगी? सर असद उमर साहब आपसे सवाल के सीपैक, सर छोटा सा, सीपैक अथॉरिटी बनने के बाद आपकी वजारत के अख्तियारात कितने सीपैक अथॉरिटी को शिफ्ट हुए हैं? थैंक यू सर। मेरा ख्याल है मुख्तलिफ अखबारात में ये खबरें चलती रही हैं कि रजाइयां सीमेंट की बोरियां, लेकिन मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम जानते हैं कि उसमें कोई हकीकत नहीं रहेगी कभी भी, और कराची के अवाम, कराची के मुंतखब नुमाइंदे थे वो लोकल गवर्नमेंट के हों, अराकिन सूबाई असम्बली हों, कौमी असम्बली हों, या हमारे वहां के जो बुजरा भी हैं, जो हुकूमत भी है, उन सबों की एक ही ख्वाहिश होती है कि बेहतर तौर तरीके से डिलीवरी की जाए, लेकिन यकीनन खराबियां कहीं ना कहीं नजर आई हैं और उसी के बिना पर आज वफाक को इन्वॉल्व होना पड़ा है। और वफाक आपस में मिल करके, जैसे मैंने कहा कि तरक्याती कामों के हवाले से सूबाई हुकूमत और वफाक हुकूमत के दरमियान ये कमेटी पुल का काम करेगी, अपनी प्रपोजल देगी फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से। दूसरी बात जो आपने पूछी इसकी सलाद के हवाले से, हाँ मेरा ख्याल वरना चीजें आगे पीछे निकल आएंगे बिल्कुल। कराची के अवाम, चूंकि आप खुद भी कराची का दौरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बुराई की जड़ है या जो मसाइल की जड़ है वो ग्रीन लाइन मंसूबा नामुकम्मल होना है, इस पे विफाक के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा कि वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ताबुन करे? और अली साहब ये बताएं, जो सईद अली साहब का ये इल्जाम है कि जो इससे पहले कराची की सफाई के लिए आपने फंड इकट्ठे किए थे, तो क्या वो फंड जो है वो कितने हैं और क्या इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे इसको? मेरे ख्याल में मैं दूसरे वाले का 700 टाइम जवाब दे देता हूँ दूसरे वाले सवाल का। असेंबली में भी पूछा गया, यहां भी पूछा गया, कई दफा पूछा गया, टीवी पे भी पूछा गया। 9,80,00,000 रुपए जमा हुए थे एंड चेंज FWO के अकाउंट में जमा हुए थे, प्राइवेट लोगों से जमा हुए थे, और उनसे सिर्फ एक ही काम था कि वो नाले साफ कर दें ताकि पानी बह जाए। तो 160 mm की जो बारिश हुई 7 दिन, उसमें तो कराची डूबा कोई नहीं था, तो क्योंकि नाले गंदे थे, तो 30 mm की बारिश जो 3 घंटे के लिए हुई उसमें सारा कराची डूब गया, सारी दुनिया ने दिखाया। हाँ तो ये अब मैं दोबारा जवाब दे दिया कि जी 9,80,00,000 रुपए थे जब पैसे खत्म हो गए। अच्छा, हमें ये भी बता दूं कि वफाक ने 20 करोड़ रुपए और भी हमें दिए थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि और कीप गोइंग, लेकिन उसके बाद फिर 44 दिन के बाद सिंध हुकूमत ने जब काम खुद करना शुरू कर दिया और उन्होंने, आपको याद है, ब्लू जैकेट एक ड्राइव शुरू की, तो हमने कहा ठीक है अब ये काम कर रहे हैं तो फिर हम क्यों करें, काम तो हमारा नहीं है। मैं तो इसलिए शुरू किया था कि कराची ना डूबे, दूसरा हमारा सारा कचरा समंदर पोर्ट में आ जाता है। पहला सवाल क्या था आपका? जवाब ग्रीन लाइन वाला सर तुम्हारे साहब, जवाब ने 10 बनाने से नाले बंद हो जाते हैं, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। सही ये आपको ये कहानियां कौन सुनाता है? अच्छा ये बताओ कि ग्रीन लाइन के ऊपर काम शुरू हुआ था 2 साल पहले, तो उससे पहले कराची क्यों डूब रहा था भाई? सो ऑब्वियसली उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ग्रीन लाइन का बता दूं आपको। ग्रीन लाइन का अभी जब लास्ट हमने रिव्यू किया था तो गवर्नर साहब ने हमें बताया कि उसकी बसेस ऑर्डर कर दी गई हैं, उसका सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल सेंटर बनना था वो एडवांस स्टेजेस में है, पहली जो बसेस हैं वो दिसंबर तक पहुंच जाएंगी, तमाम बसेस जो हैं वो मार्च तक आ जाएंगी। अब उन्होंने फैसला ये करना है कि पार्शियल ऑपरेशन जो है कुछ बसेस के साथ शुरू कर दें या वो मार्च का इंतजार करें और एक साथ ही पूरे मंसूबे को शुरू करें। ये जिसको भी गिनती में कमजोरी है उसके लिए हम क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं। इस्लामाबाद में विफाकी वुज़रा की मीडिया ब्रीफिंग का मुलाहिज़ा कर रहे थे वज़ीर मंसूबाबंदी और तरक्की असद उमर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीनुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला मुल्क का माशी मरकज है, माशी हब है,
کراچی کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تمام پارٹیز تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم مل کر جو ہے وہ کام کریں گے. یہ جو کراچی کی ترقی کے حوالے سے منصوبے ہیں ان کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کے الیکٹرک سے شکایات ہیں, جو کراچی کا کچرا اٹھانے کے حوالے سے شکایات ہیں, پانی کو گدلا کرنے کے حوالے سے جو شکایات ہیں, تمام کی تمام شکایات جو ہیں ان کا نوٹس لیا گیا ہے باقاعدہ, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تمام پارٹیز مل کر جو بھی کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر ان تمام مسائل کو حل کریں. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر امین الحق صاحب کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر این ڈی ایم اے کو ہدایت کی کہ وہ یہاں کراچی تشریف لائیں اور باقاعدہ جو مسائل درپیش تھے یہاں پر بارشوں کے حوالے سے, بارشوں کا پانی اکٹھا ہو گیا تھا, کچرا بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا, نالوں میں کچرا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے کوشش یہ کی گئی کہ جلد از جلد وہ کچرا وہاں سے اٹھایا جائے, نالوں کو کھولا جائے تاکہ پانی کا ڈرین جو ہے وہ صحیح ہو سکے. اس کے علاوہ وزیر بحری امور علی زیدی بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ کراچی کے منصوبوں میں فنڈز سے زیادہ, فنڈز کی کمی سے زیادہ شفافیت کے مسائل جو ہے وہ سامنے آئے. وفاق کی طرف سے ہر ممکن اور بھرپور تعاون کیا گیا, لیکن ہماری کوشش ابھی بھی یہی ہے کہ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز, سندھ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ آگے آئے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کرے.